साथ साक्षर आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। सोनाली फोगाट केस में लगातार परिवार के आरोप हैं वो लगे जा रहे हैं। परिवार जहां सुधीर सांगवान पर आरोप लगा रहा है, वहीं परिवार पुलिस पर भी आरोप लगा रहा है कि पुलिस जानकारी नहीं निकाल रही है या कुछ सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच परिवार का एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो सुधीर सांगवान जो कि सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट है उन पर लगा है। पहले ही परिवार ने सुधीर सांगवान पर निधन का आरोप लगाया था कि बेरहमी से निधन किया गया सोनाली फोगाट का सुधीर सांगवान के द्वारा। लेकिन अब ये आरोप लगाया है कि सुधीर सांगवान ने पैसों के लिए सोनाली को मारा है। वजह भी दे दी परिवार ने कि सुधीर सांगवान ने मारा, लेकिन वजह ये थी कि पैसों के लिए मारा। सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी पर पीए सुधीर सांगवान की नजर थी। कई करोड़ों की प्रॉपर्टी जो सोनाली फोगाट के पास थी वो चाहता था सुधीर सांगवान, और इसी वजह से उसने साजिश को रचा और साजिश को अंजाम दिया। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन देखते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने देर सही सुधीर सांगवान की छानबीन करने की कोशिश की और उनको गुनहगार ठहराया, लेकिन अब क्या परिवार के इस एलिगेशन के बाद पुलिस सुधीर सांगवान को प्रॉपर्टी के नाम पर जुर्मी ठहराता है कि नहीं। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। We'll be right back.